देश में महापुरुषों को लेकर भी विवाद होते हैं, राजनीति होती है। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका को लेकर आज भी वैचारिक संघर्ष हमारे देश में चल रहा है, हो रहा है। बीजेपी वीर सावरकर को एक वीर क्रांतिकारी और महान देशभक्त बताती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि वीर सावरकर अंग्रेजों के सामने झुक गए थे और उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, इसलिए उन्हें वीर नहीं कहा जा सकता। वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की सोच में ये मूल अंतर है। अब ये देखिए कि वीर सावरकर की वीरता पर आज सवाल क्यों उठे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े अध्याय में बड़ा बदलाव किया है। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाली पाठ्यक्रम में पहले वीर सावरकर के शीर्षक से एक अध्याय प्रकाशित किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अब ये शीर्षक बदल दिया है और स्कूलों में जो अब किताब पढ़ाई जाएंगी उसमें जो अध्याय होगा नया, उसका नया शीर्षक है सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर, यानी शीर्षक से वीर शब्द को हटा दिया गया है। पहले वीर सावरकर के लिए यह लिखा गया था कि वो एक वीर क्रांतिकारी थे और अपने दौर के बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे बदल दिया है। अब स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले नए पाठ्यक्रम में सावरकर के बारे में लिखा गया है कि वो एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जेल की यातनाओं से प्रताड़ित होकर उन्होंने 4 बार ब्रिटिश सरकार के सामने दया याचिका लगाई थी। इसके साथ ही देश में एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। अब राजस्थान की सीमाओं में पाठ्य पुस्तकों में वीर सावरकर को सिर्फ सावरकर कहा जाएगा, जबकि राजस्थान के बाहर भारत के दूसरे हिस्सों में उन्हें वीर सावरकर कहा जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति को देश के एक कोने में कायर माना जाएगा और दूसरे कोने में वीर माना जाएगा। और अब आप ये सोचिए कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में कितने बड़े भ्रम की यह स्थिति पैदा हो जाएगी। इस बदलाव के बाद पूरे देश में एक बार फिर वीर सावरकर के व्यक्तित्व और चरित्र पर एक विवाद छिड़ गया है। इसीलिए आज हमने वीर सावरकर के जीवन का अध्ययन किया है और इस विषय से जुड़े कई एक्सपर्ट से बात की है। हमें जो जानकारियां आज मिली हैं उनके मुताबिक वर्ष 1927 में महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ वीर सावरकर से मुलाकात की थी। महात्मा गांधी के वीर सावरकर से मतभेद जरूर थे, लेकिन वो वीर सावरकर की देशभक्ति से प्रभावित भी थे। आजादी के बाद भारत में स्कूलों में पढ़ाने के लिए इतिहास की तमाम किताबें लिखी गई, लेकिन कांग्रेस की पुरानी सरकारों के दौर में भी वीर सावरकर का इस तरह कभी अपमान नहीं किया गया था। कांग्रेस के राज में भी स्कूल के पाठ्यक्रम में विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर ही लिखा गया। ऐसे में अचानक राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यह बदलाव क्यों किया? क्या वीर सावरकर का अपमान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की मुख्य विरोधी पार्टी बीजेपी के आदर्श पुरुष हैं? क्रांतिकारियों और महापुरुषों के बारे में भ्रामक जानकारियां देश के सामने कभी नहीं आनी चाहिए, इसलिए आज हमने विनायक दामोदर सावरकर के पूरे जीवन का एक ज्ञानवर्धक डीएनए टेस्ट किया है जो आप सबको जरूर देखना चाहिए, जानना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर थे कौन। सावरकर को भारतीय राष्ट्रवादी और हिंदू राष्ट्रवादी कहा जाता है। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को मुंबई में हुआ था। 1906 से 1910 के बीच वीर सावरकर लंदन में कानून के छात्र थे, कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। उस दौरान उन्होंने रशिया के क्रांतिकारियों से क्रांति के कई तरीके सीखे थे। 1906 से 1910 के बीच ही सावरकर ने एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस किताब में उन्होंने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अंग्रेजों ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। मार्च 1910 में वीर सावरकर को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसा और युद्ध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वीर सावरकर पर भारत में मुकदमा चलाया गया। उन्हें भारत में एक ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया। वर्ष 1911 में सावरकर को अंडमान द्वीप में काला पानी की सजा दी गई। सावरकर को अंडमान द्वीप ले जाया गया जहां उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई। करीब 10 वर्ष तक उन्हें काला पानी में अंग्रेजों के अत्याचार झेलने पड़े। इसके बाद वर्ष 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें रिहा करके दोबारा भारत भेज दिया, लेकिन भारत में भी
उन्हें वर्ष 1924 तक नजरबंद रखा गया। वर्ष 1923 में जेल में रहते हुए वीर सावरकर ने किताब लिखी हिंदुत्व हु इज अ हिंदू। आज की राजनीति में आप बार बार हिंदुत्व शब्द सुनते हैं, इस शब्द की रचना वीर सावरकर ने ही की थी। वर्ष 1924 के बाद उन्हें नजरबंदी से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें रत्नागिरी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, यानी जो ये आजादी जो थी वो आधी अधूरी थी। अंग्रेजों की नजरबंदी से रिहा होने के बाद वीर सावरकर ने अपना ध्यान हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने और हिंदू नवजागरण पर लगाया। अंग्रेजों ने उन पर कुछ पाबंदियां लगा दी थी, एक तो ये कि वो रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते और दूसरा वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि से अपने आप को दूर रखेंगे। उन्होंने हिंदू धर्म में छुआछूत खत्म करने के लिए अभियान चलाए और अनुसूचित जाति और सवर्ण जातियों के लोगों के सहभोज यानी एक साथ भोजन करने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। इसके बाद वर्ष 1937 में जब वो पूरी तरह रिहा हो गए तब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने। इससे पहले वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि से लिप्त नहीं हो सकते थे, इसीलिए वो ऐसा कोई काम कर नहीं पाए। वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। इस हत्या का आरोप वीर सावरकर पर भी लगा था, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने वीर सावरकर को अपने आदर्श पुरुषों में शामिल किया है। पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने वीर सावरकर को अपना आदर्श पुरुष माना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वीर सावरकर से काफी प्रभावित थे। वीर सावरकर के सम्मान में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता भी लिखी थी, और वो कविता क्या थी आपको बताता हूं क्या कविता थी। इस कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेड़ते सावरकर से बलिदानी को, ऐसा उन्होंने लिखा था। वामपंथी बुद्धिजीवी और इतिहासकार वीर सावरकर पर यह आरोप लगाते आए हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। उनकी एक याचिका भी एक विशेष राजनीतिक वर्ग के लोगों द्वारा खूब प्रचारित की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि वीर सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए याचिकाएं दायर की थी, ये बिल्कुल सही बात है। ये बात भी सही है कि उन्होंने अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह न करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इस चिट्ठी को सिर्फ एक माफीनामा माना जाए या फिर युद्ध की रणनीति माना जाए, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, और इसीलिए यह बहस चल रही है कि वो वीर थे या नहीं। जो लोग उन्हें वीर नहीं मानते वो कहते हैं कि उन्होंने माफी मांग ली थी, और जो लोग उन्हें वीर मानते हैं उनका यह कहना है कि यह माफीनामा नहीं था, यह एक रणनीति थी कि कैसे जेल से बाहर निकला जाए और अंग्रेजों के खिलाफ दोबारा लड़ाई शुरू की जाए। हमने आज इस संबंध में कुछ इतिहासकारों से भी बात की है, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है। सावरकर के जीवन पर शोध कर रहे इतिहासकार विक्रम संपत के विचार आपके ज्ञान में आज काफी वृद्धि कर सकते हैं। वो वीर सावरकर के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, इसीलिए आज हमने उनसे बात की। आज विक्रम संपत ने एक वीडियो के जरिए आप सबके लिए अपने विचार हमें भेजे हैं, और आप भी उनकी बातें सुनिए और अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। किसी सरकार के हटाने या लगाने से कोई किसी की जो ब्रेवरी है, वीरता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता। इनको सबसे ज्यादा जो है टर्म ऑफ अगर पनिशमेंट किसी को दिया गया हो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में, तो वो सावरकर जी को दिया गया था 2 life imprisonments जो टोटलिंग अप टू 50 years। तो 1910 में उनका अरेस्ट हुआ, उनका रिलीज एक्चुअली होना था 1960 में। तो और उनको पहले काला पानी की अंडमान निकोबार आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर के जेल में भेजा गया, और वहां पे जो जिस तरह के टॉर्चर्स उन पे डाले गए वो कहना भी मुश्किल है किसी को, और सहना तो और भी मुश्किल है। अब बहुत ही हवा बनाया जाता है कि इन्होंने मर्सी पेटिशन लिखा। अब जिस तरह से अभी एक लॉयर को एम्प्लॉय कर सकते हैं, और ये सभी ने किया जिन जिनका कारावास की सजा सुनाई गई, उसी तरह पेटिशन लिखना एक बहुत मामूली सा एक प्रक्रिया थी उस टाइम पे। तो एक टेम्पलेट से था जो सारे जो पॉलिटिकल बंदी थे वो लिखते थे उस टाइम पे। तो कहीं भी इस टेम्पलेट में इन्होंने न तो माफी मांगी या कहा कि
मैंने जो किया है, जो आतंकवादी काम या रेवोल्यूशनरी काम किए हैं, उसके लिए मैं अपोलोजेटिक हूं, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। उल्टा तो पिटिशन, जो बहुत बड़ा पिटिशन है, उसमें एक दो लाइन यहां वहां से लेके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट करने से ये आई थिंक ये इंटेलेक्चुअल आई थिंक इट इज बीइंग वेरी डिसइंजेनियस। तो इसीलिए जो रेजिनाल्ड क्रडॉक उनसे मिलने आए तो उन्होंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने खुद अपने रिपोर्ट में उसके पश्चात जब वो वापस भारत जा रहे थे पोर्ट ब्लेयर से, तो उन्होंने कहा कि सावरकर कैनॉट बी सेट टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट और रिपेंटेंस फॉर व्हाट ही डिड। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड में खुद उन्होंने कहा है कि उन्होंने ना तो रिग्रेट या रिपेंटेंस बोला अपने साक्षात्कार में मेरे साथ। तो कहा काहे की माफी हो गई, काहे की कवर्डिस हो गई, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता। तो बाद में भी उनके जो जो पिटिशंस थे 1914 में, 17 में, 18 में, तो सब में यही चीज थी कि आप प्लीज डिसाइड कीजिए हमारा स्टेटस क्या है, क्या हम ऑर्डिनरी कॉन्विक्ट हैं, हम स्पेशल कॉन्विक्ट हैं, और जो प्रिजन लॉज हैं भारत के, ब्रिटिश इंडिया के, उसके हिसाब से हमें जो जो सहूलियत मिलना चाहिए वो आप प्लीज हमको आपको देना चाहिए। तो इनफैक्ट उनके और ये कभी अपने लिए, खुद के लिए नहीं लिखते थे, ये पूरा जो 100 से ज्यादा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स उस टाइम थे, ज्यादातर बंगाल के पॉलिटिकल प्रिजनर्स और फिर पंजाब से भी जो आए गदर मूवमेंट के, तो उन सबके लिए ये एक प्रवक्ता के तौर पे ये पिटिशन लिखते थे। तो 1917 के पिटिशन में वो लिखते हैं कि इफ द गवर्नमेंट थिंक्स दैट इट इज ओनली टू इफेक्ट माई ओन रिलीज दैट आई पेन दिस, और इफ माई नेम कॉन्स्टिट्यूट्स द चीफ ऑब्स्टिकल इन द ग्रांटिंग ऑफ सच amnesty, then let the government omit my name in their amnesty and release all the rest. That would give me as great a satisfaction as my own release would do. तो या क्या ये कोई ब्रिटिश स्टूज या एक भीरू किस्म के आदमी का के वक्तव्य हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे जो टॉर्चर लोगों को दिया जाता था, काफी कई सारे लोग या तो पागल हो जाते थे या खुदकुशी कर लेते थे। और सावरकर जी खुद अपने मेमोर्स में लिखते हैं कि कई बार मुझे लगा कि मैं भी अपनी जान जो है वो खत्म कर दूं, क्योंकि ये जिल्लत भरी, टॉर्चर भरी जिंदगी से मौत बेहतर है। आज मशहूर इतिहासकार विक्रम संपत ने इस रिसर्च में हमारी बहुत मदद की है, उनके विचार भी अभी आपने सुने, और इसके लिए हमारी और आपकी तरफ से भी मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं। कहा जाता है कि सावरकर जेल से बाहर रहकर देश की सेवा करना चाहते थे। वो ये मानते थे कि मातृभूमि की सेवा करने के लिए आजाद होना ही होगा। सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना नायक मानते हैं। सावरकर शिवाजी को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते थे। सावरकर ने भी शिवाजी की तरह अपने दुश्मन से लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया था। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी ने भारत की 3 मुस्लिम रियासतों से अकेले संघर्ष किया था। उन्होंने दिल्ली के मुगल साम्राज्य, बीजापुर की आदिलशाही और हैदराबाद के निजाम से संघर्ष किया, और वर्ष 1674 में एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी ने अपनी राजसत्ता की स्थापना के लिए साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया। उन्होंने दुश्मन को धोखा देने के लिए भी कई बार पत्र भेजे थे। इन पत्रों में उन्होंने दुश्मन की खूब प्रशंसा की थी ताकि वो भ्रमित होते रहें। शिवाजी ने बीजापुर की आदिलशाही के शक्तिशाली सेनापति अफजल खान की भी इसी योजना के तहत हत्या की थी। शिवाजी ने कट्टरपंथी मुगल सम्राट औरंगजेब की दोस्ती के प्रस्ताव को भी इसीलिए स्वीकार किया था ताकि वो औरंगजेब के दरबार में मौजूद राजपूत सरदारों को अपनी तरफ मिला सके। और जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में कैद किया तब वो बहुत चालाकी से मुगलों की जेल से निकल गए थे। इस घटना को दुनिया के इतिहास की आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक माना जाता है। हो सकता है बहुत सारे इतिहासकार आज छत्रपति शिवाजी के ऊपर भी सवाल उठाने लगे और ये कहने लगे कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ या इन लोगों के साथ धोखा किया, उन्होंने औरंगजेब के साथ धोखा किया। लेकिन ये रणनीति होती है। आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग दिन भर एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं और एक दिन के लिए भी कड़ी धूप में खड़े नहीं रह सकते, वो लोग 10 साल तक काला पानी की सजा झेलने वाले वीर सावरकर के व्यक्तित्व और वीरता पर सवाल उठाते हैं। और जैसा विक्रम संपत ने आपको बताया, उस जमाने में
इस तरह के टॉर्चर दिए जाते थे, इस तरह की यातनाएं दी जाती थी कैदियों को कि उन यातनाओं को झेलना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता था, लोग पागल हो जाते थे। और इन यातनाओं को झेलकर वीर सावरकर रिहा हुए। ऐसे लोगों को आज हम इतिहास के कटु सत्यों की जानकारी देना चाहते हैं। देश को कालापानी में कैद विद्रोहियों की स्थिति और भारत की जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों की स्थिति पर भी आज गौर करना चाहिए। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के ऐलान के बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। मौलाना आजाद, सरदार पटेल और पंडित नेहरू को अहमदनगर किले की जेल में कैद किया गया था। इस जेल का वर्णन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी जीवनी इंडिया विंस फ्रीडम में किया है। इस किताब के हिंदी अनुवाद के पेज नंबर 82 और 83 पर उन्होंने खुद क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये उन्हीं की जीवनी है जो इस वक्त मेरे हाथ में आज आपके लिए लेकर आया हूं। ये उनकी जीवनी है और उन्होंने खुद क्या लिखा है आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजादी की कहानी, संपूर्ण वृतांत, ये किताब का नाम है जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। उस समय जेल में आप देखिए क्या होता था। इन्होंने लिखा है कि जब ये जेल चले गए, उनके साथ बाकी इनके जो साथी थे, तो क्या हुआ। कुछ देर बाद ही हमें लोहे के तसलों में खाना दिया गया, हमें ये अच्छा नहीं लगा और हमने जेलर से कहा कि हमें तो चीनी की प्लेटों में खाने की आदत है। जेलर ने क्षमा मांगते हुए कहा कि वो इस समय डिनर सेट सप्लाई नहीं कर सकेगा क्योंकि वो सेट अगले दिन प्राप्त होगा। मैंने सोचिए, जेलर उनसे क्षमा मांग रहा है और उन्हें कह रहा है कि मैं डिनर सेट में आप डिनर सेट का इंतजाम कर दूंगा लेकिन उसमें एक दिन और लगेगा। और ये सारे स्वतंत्रता सेनानी डिनर सेट में खाना खाना चाहते थे। पूना से एक कैदी लाया गया था ताकि वो हमारे रसोइये का काम कर सके, यानी पूना से खास कैदी आया जो इन स्वतंत्रता सेनानियों का रसोइया बनेगा। वो हमारी रुचि का खाना नहीं बना सकता था, उसे शीघ्र ही बदल दिया गया और एक बेहतर रसोइया नियुक्त किया गया। ये रसोइया उनके पसंद का खाना नहीं बना रहा था, दूसरा रसोइया आया जो इनकी पसंद का खाना बनाएगा और खास विशेष डिनर सेट मंगवाया जाएगा। चीनी के बर्तनों में इन्हें खाने की आदत है, चीनी की प्लेट में इन्हें खाने की आदत है। ये स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें जेल में डाल दिया गया है। अब आगे सुनिए। जवाहरलाल ने सुझाव दिया कि हमें एक फूलों का बगीचा तैयार कर लेना चाहिए ताकि हम लोग व्यस्त भी रहेंगे और इस स्थल में सुंदरता भी आ जाएगी। हमने इस विचार का स्वागत किया और बीजों के लिए पूना को लिखा। उसके बाद हमने बीजों की क्यारियों के लिए जमीन तैयार की। जवाहरलाल ने इस काम में नेता की भूमिका निभाई। हमने कोई 30 या 40 प्रकार के बीज बोए, उनमें प्रतिदिन पानी डाला और क्यारियों को साफ करते रहे। जैसे ही बीजों के अंकुर फूटने लगे, वैसे ही हमने बड़ी रोचकता से उन बढ़ते हुए पौधों को देखा। जब फूल खिलने लगे तो ये सहन सौंदर्य और आनंद का एक भव्य स्थल बन गया। ये जेल में उनका जीवन कैसा था उसकी एक जरा सी झलक आपको मैंने पढ़कर सुनाई है। जेल में तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती थी। जैसा खाना आपको चाहिए वैसा खाना मिलता था। जैसे बर्तनों में आपको चाहिए डिनर सेट, आपको अलग चाहिए डिनर सेट मिल जाता था। और टाइम पास करने के लिए बागवानी की जाती थी, फूल उगाए जाते थे। ये हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जेल में उस समय कर रहे थे। क्या कर रहे थे पढ़कर बताया आपको। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि काला पानी में कैदियों को किस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती थी। 693 कमरों वाली इस जेल में कैदियों के रहने की जगह बहुत छोटी हुआ करती थी। ये वो जगह है जहां वीर सावरकर को रखा गया। रोशनी के लिए सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान होता था। क्रांतिकारियों को वहां पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। उन्हें बेड़ियों से बांधा जाता था, उनसे कोहलू से तेल निकालने का काम करवाया जाता था। वहां हर कैदी को एक निश्चित समय में करीब 13.5 किलो नारियल और सरसों से तेल निकालना होता था और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता था तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। अंग्रेज बहुत निर्दयी थे और हमेशा भारतीय लोगों के सम्मान पर चोट करते थे। भारतीय कैदियों को गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, उन्हें पीने का पानी भी बहुत सीमित मात्रा में मिलता था। इतिहासकारों का दावा है कि कई बार कैदियों के खाने में जहरीले जंतुओं के अवशेष भी मिला दिए जाते थे। कैदियों की गर्दन पर बहुत भारी लोहे का टुकड़ा लटकाया जाता था। उनके पैर हमेशा जंजीरों में बंधे रहते थे।
उनके लिए चलना फिरना और नित्य कर्म करना भी मुश्किल होता था। इस जेल के चारों तरफ समुद्र था, इस जेल से भागना असंभव था, इसलिए कई क्रांतिकारियों ने फांसी लगा ली थी। सोचिए कैसी यातना दी जाती होंगी कि लोग आत्महत्या कर लेते थे। कुछ क्रांतिकारियों ने अनशन भी किया था, लेकिन सावरकर ने आत्महत्या और अनशन को गलत रणनीति बताते हुए जिंदा रहकर और आजाद होकर देश की सेवा करने का रास्ता अपनाया। और वो वहां भी जो बाकी के क्रांतिकारी थे उनसे कहा करते थे कि अनशन पर मत बैठिए, आत्महत्या के बारे में तो सोचिए भी मत। अनशन करने के बजाय अंग्रेज जैसा भी रूखा सूखा खाना दे रहे हैं उस खाने को, उस भोजन को ग्रहण कीजिए और अपनी ताकत को कम मत होने दीजिए, ताकि एक दिन जब आप यहां से रिहा होकर जाएंगे तो आप अंग्रेजों से युद्ध लड़ सके। ये उनकी रणनीति थी। इतिहास में कई बार महापुरुषों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई हैं। आज हम आपको भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्र के बारे में भी बताना चाहते हैं। ये पत्र महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा था। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को यह भरोसा दिलाया था कि अगर भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो बदले में वो भारत को आजाद करने पर विचार करेंगे। इसके लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील की कि भारत के जवानों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया जाए। महात्मा गांधी ने खुद यह जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए अपील की थी। इसी संदर्भ में दिल्ली में एक युद्ध सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया। तब महात्मा गांधी ने भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक पत्र लिखा था। इस पत्र की कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां हम आज आप सबको सुनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने लिखा कि युद्ध के दौरान अगर मेरा बस चले तो मैं भारत के हर सक्षम निवासी को साम्राज्य की सेवा में बलिदान कर दूं। हमें यह मानना चाहिए कि अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा कर पाए तो उस सेवा के माध्यम से ही हमने स्वराज पा लिया। इसीलिए मेरी नजर में यह साफ है कि हमें अपने हर व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में लगा देना चाहिए। पत्र के आखिर में महात्मा गांधी ने लिखा है, मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मैं ब्रिटिश राष्ट्र से प्यार करता हूं और मैं हर भारतीय में अंग्रेजों के प्रति वफादारी पैदा करना चाहता हूं। सावरकर के बारे में बुद्धिजीवियों के द्वारा लगातार यह प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि उनकी टू नेशन थ्योरी की वजह से भारत का विभाजन हुआ था, लेकिन सच्चाई यह है कि टू नेशन थ्योरी मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान का विचार था। सावरकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी विचारधारा में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं थी। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने सावरकर के साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में सावरकर के विचारों और उनके आइडिया ऑफ इंडिया पर विस्तार से टिप्पणी की थी। आज वो किताब भी मैं लेकर आया हूँ। ये वो किताब है जो अंबेडकर की डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लिखी है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। ये देखिए, अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है इस किताब में, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये बात सुनने में भले ही विचित्र लगे पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं और जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में दो राष्ट्र हैं परंतु हिंदुस्तान को दो भागों में, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। यानी सावरकर चाहते थे कि बांटा ना जाए। ये दोनों कौमें एक ही देश में रहेंगी और एक ही संविधान के अंतर्गत रहेंगी। ये संविधान ऐसा होगा जिसमें हिंदू राष्ट्र को ये वर्चस्व मिले जिसका वो अधिकारी है और मुस्लिम राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के अधीनस्थ सहयोग की भावना से रहना होगा। राजनीतिक सत्ता के लिए इन दोनों राष्ट्रों के बीच चल रहे संघर्ष में माननीय सावरकर सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, एक व्यक्ति एक वोट का नियम चाहते हैं। इस योजना में मुस्लिम को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता जो हिंदू को ना मिलता हो। अल्पसंख्यकों को उनका न्यायोचित अधिकार ना देकर उन्हें दंडित करना न्यायोचित नहीं है। राज्य
मुस्लिमों को इस बात की गारंटी देगा कि मुस्लिम धर्म और मुस्लिम संस्कृति के अनुसार उन्हें राजनीतिक सत्ता मिले, परंतु राज्य उन्हें विधानसभा और प्रशासन की सीटों और नौकरियों की गारंटी नहीं देगा। मुस्लिम ऐसी गारंटी मांगने पर जोर देंगे तो गारंटी का कोटा देश की जनसंख्या में उनके अनुपात से अधिक नहीं होगा। इस तरह मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व में वजन न देकर माननीय सावरकर मुस्लिमों को अब तक प्राप्त सुविधाओं से भी वंचित कर देते हैं। बीआर अंबेडकर ने हर जगह सावरकर को माननीय सावरकर संबोधित किया है। भीमराव अंबेडकर के इन विचारों से बिल्कुल साफ है कि सावरकर के राज्य की कल्पना में मुसलमानों का स्थान जरूर था। सावरकर ने मुसलमानों को वोट का अधिकार देने की बात कही। सावरकर ने भारत के बंटवारे का विरोध किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों को उनके सभी अधिकार देने का वादा किया और कहा कि इन दोनों समुदायों को एक ही राज्य में एक ही देश में रहना चाहिए। वो मुस्लिम धर्म और संस्कृति की रक्षा के समर्थक थे, लेकिन वीर सावरकर मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ थे। अंग्रेजों के राज में मुसलमानों को चुनावों में सीटों पर आरक्षण मिला हुआ था। वीर सावरकर अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दिए गए इस लाभ के खिलाफ थे। 26 फरवरी 2003 को एनडीए की सरकार के कार्यकाल में संसद के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की एक तस्वीर भी लगाई गई थी। अब सवाल यह है कि अगर उस वक्त वीर सावरकर एक देशभक्त और क्रांतिकारी थे तो आज उन्हें अंग्रेजों के सामने झुकने वाला व्यक्ति कहकर अपमानित करने का क्या औचित्य है। जिस व्यक्ति की तस्वीर को संसद में, भारत की संसद में पूरे सम्मान के साथ लगाया जा चुका हो, उसके नाम से वीर शब्द हटाना एक बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। आज अगर दूसरे देश इस खबर को देख रहे हो या इसके बारे में पढ़ रहे हो तो हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे। एक तरफ हमारे देश की सरकार, हमारा देश वीर सावरकर का चित्र हमारी संसद में लगाता है और दूसरी तरफ इसी देश के एक राज्य में वीर सावरकर के नाम से वीर हटा दिया जाता है। हमारा मकसद किसी का भी महिमा मंडन करना नहीं है और ना ही हम इसका कोई राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हमारे लिए वीर सावरकर एक क्रांतिकारी हैं, ना वो कांग्रेस हैं ना बीजेपी हैं, और उस वक्त तो बीजेपी थी भी नहीं। हम ये चाहते हैं कि देश के सामने सभी पक्ष आने चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में सावरकर को अलग अलग तरह से पेश किया जाए। क्या भारत के ही एक राज्य में सावरकर को अंग्रेजों के सामने झुकने वाला व्यक्ति बताया जाएगा और दूसरे राज्य में उन्हें एक महान देशभक्त कहा जाएगा, वीर कहा जाएगा। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि राजस्थान के चुनाव में बीजेपी की हार से पहले छात्र ये पढ़ रहे थे कि वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे, और कांग्रेस की जीत के बाद छात्र अब ये पढ़ेंगे कि सावरकर अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। जो छात्र स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उन्हें इस तरह भ्रमित क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारा अगला विश्लेषण भारत और श्रीलंका की सोच और उस सोच के बीच मौजूद फर्क पर आधारित है। भारत के संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक इसी तरह श्रीलंका के संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत होती है द पीपल ऑफ श्रीलंका से। यानी दोनों ही देशों के संविधान में नागरिकों की पहचान उनका देश है। लेकिन जब देश के नाम पर आप दोनों देशों के नागरिकों की तुलना करेंगे तो आपको एक छोटा सा अंतर दिखाई देगा, और वो फर्क है सोच का। भारत में अक्सर एक बात का जिक्र किया जाता है, सोच बदलो तभी देश बदलेगा। हम भी यही कहते हैं, सोच बदलो देश बदलो। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 71 वर्षों बाद भी हमारा समाज धर्म और जाति के नाम पर टुकड़ों में बटा हुआ है। देश में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए तो हमारे देश में उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। धर्म के नाम पर एजेंडा चलाने वाले आतंकवाद और आतंकवादियों का महिमा मंडन करने से भी हमारे देश के लोग और नेता चूकते नहीं। और तो और, निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों के मानव अधिकारों के लिए देर रात हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुलवा लिया जाता है। लेकिन पड़ोसी देश श्रीलंका इस मामले में भारत से बहुत अलग है। द मुस्लिम काउंसिल ऑफ श्रीलंका ने 21 अप्रैल को हुए आत्मघाती हमलों और धमाकों के बाद अब एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें भारत के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस फैसले के बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि पिछले 24 घंटों से श्रीलंका के हालात क्या हैं। पिछले महीने की 21 तारीख को श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर आत्मघाती हमले और धमाके हुए थे। इन हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कल वहां पर कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए।
दंगाइयों ने श्रीलंका के कई हिस्सों में मस्जिदों और मुसलमानों की दुकानों पर हमले किए और इनमें आग लगा दी और इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। यानी सांप्रदायिक हिंसा श्रीलंका में भड़क चुकी है। इसके बाद श्रीलंका की सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप सहित कई सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शूट ऑन साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। लेकिन हमारी खबर ये नहीं है, हमारी खबर आज कुछ और है। श्रीलंका की सरकार दंगा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ वहां की मुस्लिम आबादी भी अपने देश और सरकार की हर संभव मदद कर रही है। द मुस्लिम काउंसिल ऑफ श्रीलंका ने वहां के मुसलमानों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है और ये गाइडलाइंस आज आप सबको जाननी चाहिए। ये वही संगठन है जिसने 21 अप्रैल को हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की थी और अब इस संगठन ने श्रीलंकन आइडेंटिटी यानी श्रीलंका के नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सबसे पहले ये देखिए कि इन गाइडलाइंस की शुरुआत किन शब्दों से की गई है। मेरे हाथ में वो गाइडलाइंस हैं, देखिए। रिकमेंडेशंस फॉर चेंज इन अटायर एंड बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स एंड प्रमोट अ कॉमन श्रीलंकन आइडेंटिटी, ऐसा इसमें लिखा है। और उसके बाद सारे गाइडलाइंस इसमें लिखे गए हैं। यानी इन दिशा निर्देशों के मूल में सिर्फ एक विचार है और वो विचार ये है कि आप सबसे पहले श्रीलंका के नागरिक हैं और आपकी धार्मिक पहचान इसके बाद आती है। फिर से मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। रिकमेंडेशंस फॉर चेंज इन अटायर एंड बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स एंड प्रमोट अ कॉमन श्रीलंकन आइडेंटिटी। नई गाइडलाइंस में इस्लाम के विद्वानों से अपील की गई है कि वो श्रीलंका की मुस्लिम आबादी को रंगीन कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझाएं कि वो काली पोशाक ना पहने और अपना चेहरा भी ना ढके। कितनी बड़ी बात है। सार्वजनिक स्थानों पर अरबिक भाषा में मौजूद साइन बोर्ड्स को हटा दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी गाड़ी पर अरबिक भाषा के शब्दों या तलवार की आकृति न हो। ऐसे इलाके जहां दूसरे धर्म के लोग रहते हैं वहां मौजूद मस्जिदों में अजान पर या तो प्रतिबंध लगा दिया जाए या फिर मुस्लिम बाहुल इलाकों में अजान के वक्त आवाज धीमी कर दी जाए। आवाज बिल्कुल भी ऊंची नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक मस्जिद को लाउड स्पीकर चलाने की इजाजत है, इसका पालन किया जाए। किसी नई मस्जिद का निर्माण तभी किया जाए जब उसे द डिपार्टमेंट ऑफ मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स की अनुशंसा प्राप्त हो, वो भी हर प्रकार का विश्लेषण करने के बाद। मस्जिद के निर्माण या रेनोवेशन का काम भी स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बाद ही होना चाहिए। श्रीलंका का मुस्लिम समुदाय हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि उसकी पहचान सबसे पहले एक श्रीलंकाई नागरिक के रूप में है। उसकी पहचान किसी धर्म या जाति से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है, ऐसे प्रयास किए जाएं ताकि श्रीलंका का हर समुदाय एक श्रीलंकन नागरिक की तरह पूरी शांति के साथ एक छत के नीचे रह सके। असहनशीलता, नफरत और रंगभेद के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं। पूर्वाग्रह में आकर किसी प्रकार की गलत रिपोर्टिंग ना हो, इसके लिए मीडिया रिफॉर्म्स के बारे में सोचा जाए। संसद में नफरत विरोधी कानून लाया जाए। मस्जिदों को नियंत्रित करने के लिए नए प्रावधान लाए जाएं। धार्मिक उपदेश देने वालों के लिए कड़े दिशा निर्देश लाए जाएं और उनका पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये दिशा निर्देश यहीं खत्म नहीं होते। द मुस्लिम काउंसिल ऑफ श्रीलंका ने वहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी कुछ सिफारिशें की हैं, जिन्हें मैं आपको आज पढ़कर बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है, लॉबी विद द गवर्नमेंट फॉर ऑल स्कूल्स टू हैव अ कॉमन स्कूल कैलेंडर। यानी चाहे कोई भी स्कूल हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का स्कूल हो, सबका सेम कॉमन स्कूल कैलेंडर होना चाहिए। लॉबी विद द गवर्नमेंट टू मेक इट कंपल्सरी फॉर ऑल स्कूल्स टू टीच सिंघाला एंड तमिल टू देयर स्टूडेंट्स। एक जैसा करिकुलम होना चाहिए। श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। वहां की आबादी में 70% से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और वहां करीब 12% हिंदू हैं और करीब 10% मुस्लिम हैं और 7.5% ईसाई हैं।
यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ईसाई और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग श्रीलंका में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब देश हित की बात आई तो श्रीलंका के मुस्लिम समुदाय ने परिस्थितियों को धर्म का चश्मा लगाकर नहीं देखा, बल्कि वहां के मुसलमान अपनी पहचान अपने देश के नाम पर स्थापित करना चाहते हैं, अपने धर्म के नाम पर नहीं। अब आप इसी खबर को भारत के एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। क्या हमारे देश में किसी के अंदर इतनी हिम्मत है? क्या कभी ऐसे गाइडलाइंस जारी हो पाएंगे? क्या भारत का अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले नेता धर्म वाला चश्मा उतारकर परिस्थितियों को देख पाएंगे? ऐसी गाइडलाइंस जारी करने की हिम्मत इस देश में किसी की है? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिसके जवाब के लिए आप सभी को मंथन करना होगा। आज हमें वर्ष 2015 में आई एक हिंदी फिल्म